केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। आज अजमेर के जीसीवन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद क्वार्टर गार्ड पर सलामी के बाद जवानों को सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाया गया। सन 1939 में ब्रिटिश सरकार ने सीआरपीएफ की स्थापना की थी, तब इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था, लेकिन आज़ादी के बाद सीआरपीएफ का नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा गया। सीआरपीएफ के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 246 जीडी बटालियन, 43 ग्रुप सेंटर्स, 20 हॉस्पिटल्स, 20 ट्रेनिंग सेंटर्स, 15 आरएफ बटालियंस, 10 कोबरा बटालियन के साथ विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। सीआरपीएफ संपूर्ण भारत में फैली है। सीआरपीएफ के प्रतिनिधि दल यूएन तक भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 82nd स्थापना दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में ग्रुप सेंटर 1 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गई और जवानों को अपना जो एक गौरवशाली इतिहास है उसके विषय में बताया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, 1939 में ब्रिटिशर्स द्वारा इस फौज की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद 1939 में इसी फोर्स का नाम, 1939 में जब स्थापना की गई तो तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, तब हम क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद लेटर्स वही रखे गए, सीआरपी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की जगह बदलकर इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस बना दिया गया। इस समय ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। हमारे पास 246 जीडी बटालियंस हैं, 43 ग्रुप सेंटर्स हैं, 20 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 15 आरएफ बटालियन हैं, 10 कोबरा बटालियन हैं। हर क्षेत्र में सीआरपीएफ को आप पाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी मसला हो, आप जेएंडके देख लें, नॉर्थ ईस्ट देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, आप पाएंगे हमारे जवानों को कि वो बर्फ़ में, जेएंडके की बर्फ़ में जितनी मुस्तैदी से ड्यूटी करता है, उतनी ही मुस्तैदी से वो यहाँ राजस्थान के रेगिस्तान में भी ड्यूटी करता है, उसी मुस्तैदी से वो नॉर्थ ईस्ट में या उसको कंट्री के जिस भाग में भी भेज दिया जाए। हम सिर्फ देश में ही नहीं, हमारी जो बल का प्रतिनिधित्व है, इसकी जो टुकड़ियाँ हैं वो यूएन मिशंस में भी भेजी गई हैं, आईपीकेएफ में भेजी गई हैं, यूएन मिशंस में अभी भी हमारी टुकड़ियाँ जा रही हैं और हर जगह हम दिए हुए काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। तो कौन सा दिवस है यह? स्थापना दिवस आज के दिन हमारे बल की स्थापना हुई थी, 27 जुलाई 1939 को नीमच मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। शुरू में जो जितने भी अधिकारी होते थे, अधिकारी ब्रिटिश अंग्रेज हुआ करते थे, सभी अधिकारी अंग्रेज हुआ करते थे, ट्रुप्स जो है इंडियंस होते थे, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद ये हुआ कि हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को ही कमांड दी गई। इस वक्त हम ही लोग इसको कमांड कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी दी हुई ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं।